हम सत्या यादव हैं जी। मैं सदर जिला पंचायत पूर्व में हूँ, सदर विधानसभा से मैं समाजवादी पार्टी की राजनीति करता हूँ। हम लोगों को पता चला सुबह जो सोशल मीडिया से और यहाँ के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, उन लोगों के द्वारा पता चला है कि यहाँ के जो ब्रजदेव बिंद थे उनके पुत्र ये ओम प्रकाश बिंद हैं, जो ये तीन भाई थे और तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे ओम प्रकाश बिंद जी, जो 2004 में इन्होंने सेना की भर्ती में नौकरी किए और लगातार देश की सेवा करते हुए आज पता चला है सुबह हम लोगों को कि कल लेह लद्दाख में जो सबसे बड़ी कहा जाता है कि बहुत बड़ी ऊंचाई पे वहाँ पहाड़ है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी माइनस में चला जाता है, जहाँ पे ठंड भी माइनस लेवल में, टेम्परेचर माइनस लेवल में रहता है, वहाँ पे हमारे देश का जवान, हमारे गाजीपुर के नौजवान जाकर कहीं ना कहीं देश के प्रति उनकी आस्था है। आप देखे होंगे कि गाजीपुर में हम सब लोग आए दिन, हम लोग समाज में रहते हैं, घूमते हैं, ग्राउंडों पर जाने का कई बार मौका मिलता है नौजवानों से मिलने का। गाजीपुर के नौजवानों के अंदर एक अलग तरह का जुनून है, वह परिवार के लिए तो दूसरी बात है कि वह नौकरी करते हैं देश के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उनको अपने देश की सेवा करने के लिए और देश के प्रति उनको मर मिटने का जो उनके अंदर जुनून है, जो जज्बा है, वह गाजीपुर के नौजवानों में अक्सर देखा गया है। यह नहीं कि वह अपने पेट के लिए, परिवार चलाने के लिए नौकरी करने का काम करते हैं, आर्मी को इसलिए भी चुनते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं देश के प्रति मर मिटने का वो जुनून है, देश के प्रति सेवा करने का जुनून है। इतिहास आप उठाएंगे गाजीपुर का तो चाहे वो 1965 की लड़ाई रही हो वीर अब्दुल हमीद से लेकर, चाहे वो 99 की लड़ाई रही हो वह शेषनाथ यादव कमलेश सिंह से लेकर, चाहे अभी वर्तमान में जो तनाव सरहदों पर बढ़े हैं उसमें हमारे गाजीपुर के तमाम नौजवान, हरेंद्र यादव से लेकर, चंदन राय से लेकर, तमाम नौजवान वीर अब्दुल हमीद, वीर वो 65 की लड़ाई में, अभी मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, और उसी कड़ी में आज हमारे सदर विधानसभा के दुख तो है लेकिन हमें कहीं ना कहीं फक्र भी है ओम प्रकाश बिंद पे, जो हमारे इस खुटवा सौरी के गांव के रहने वाले हैं, खुटवा के। तो हम सब लोगों को आज यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, नम है आँखें, हम लोगों को दुख है, वेदना है, पीड़ा है, दर्द है, लेकिन दूसरे तरफ कहीं ना कहीं फक्र भी है कि इस गांव का वह नौजवान आज देश के लिए कहीं ना कहीं अपने प्राण को देने का काम किया है। ये आने वाले इतिहास के पन्नों में इस गांव का नाम दर्ज होने का काम करेगा और हम सब लोग अपनी पूरी संवेदना और उनके ऊपर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए हम अपने तरफ से उस जवान को बहुत बहुत सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और परिवार के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इस दुख की बेला में पूरा का पूरा यह हमारा गाजीपुर जनपद और हमारा समाजवादी पार्टी का पूरा नेता परिवार और पूरे हम लोग अधिकारियों से भी कहेंगे कि आप लोग इस जवान के घर अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए, हम लोग बात भी करेंगे जिला अधिकारी से, अभी हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि लड़ाई में शहीद हुए हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, क्या है, ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। उसके बाद अधिकारियों से वार्ता करके और परिवार के साथ हम सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ जितना हो सकेगा उनके साथ खड़ा होकर इस दुख की बेला में हम सब लोग मदद करने का काम करेंगे।